मेरे भाइयों नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के लोगों के लिए बताऊंगा इस दीपावली में बताने मतलब जपने के लिए एक ऐसा मंत्र जो धनतेरस से लेकर के आपको जप करना है दीपावली भैया दूज तक। और चाहे तो इस मंत्र को आप पूरे जीवन जप कर सकते हैं। ये आपके लिए ही आपकी राशि के हिसाब का ही मंत्र है जो शास्त्रों में वर्णित है। और इस मंत्र से लक्ष्मी जी की बड़ी विशिष्ट कृपा आपको मिलती है, इसको आपका राशि मंत्र कहते हैं। तो इस मंत्र का जप करना है और साथ में प्रत्येक राशि बार बताऊंगा कि क्या विशेष उपाय आप कर सकते हैं लक्ष्मी पूजन के समय। तो सबसे पहला मेष राशि, मेष राशि वालों को लक्ष्मी जी का पूजन लाल चंदन और केसर से रंगे हुए कपड़े का आसन दे करके उनको बैठाना चाहिए और उनको जो है कमल गट्टे की माला पहनानी चाहिए, कमल गट्टे की माला। और साथ में धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक और हो सके तो पूर्णमासी तक आपको मंत्र जप करना है ओम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः या ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। वृषभ राशि वालों के लिए जो मंत्र है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन उपाय बता दूं, आपको गणेश लक्ष्मी और कुबेर जी इनका पूजन तो करना ही करना है, साथ में एक कमल के पुष्प का भी आपको पूजन करना है। और वो कमल का पुष्प आप अपनी गले या तिजोरी में रखें और मंत्र है ओम ऐं क्लीं श्रीं, ओम ऐं क्लीं श्रीं। अब आइए मिथुन राशि, तो मिथुन राशि वालों को मंत्र क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, विशिष्ट उपाय मैं बता दूं। बहनों भाइयों, आपको लक्ष्मी गणेश कुबेर का जो पूजन है वो तो करना ही करना है। अगर आपके ऊपर कर्ज है या आपके धन की नियमित व्यवस्था नहीं है तो माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला और गणेश जी को हरिद्रा की यानी हल्दी की माला पहनावें और हल्दी की माला बाद में अपने कैश बॉक्स में रखें या कहीं स्वच्छ जगह पर रख दें, अपने पूजा स्थान में ही रख सकते हैं या गणेश जी को ही पहना के रखें, जो चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन मंत्र जो जप करना है वो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कर्क राशि वालों के लिए मंत्र है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है विशेष प्रयोग वो ये है कि आप एक पीले रंग का तिकोना झंडा बनवाइए और दीपावली वाले दिन किसी देव मंदिर में लगाइए, थोड़ा सा ऊंचान पे लगाइए और जब जब वो लहराएगा आपके घर का दरिद्र भगाएगा। ये प्रयोग आपको करना है, तिकोना पीले रंग का झंडा किसी श्री नारायण मंदिर पे, और श्री नारायण मंदिर ना हो तो किसी भी मंदिर में ऊंचान पे लगा दीजिए। साथ में आप मंत्र जप करिए धनतेरस से लेकर के दीपावली भैया दूज तक या पूर्णमासी तक ओम ह्रीम क्लीम श्रीम, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम, इस मंत्र का जप करना है। सिंह राशि वालों को गाय को हरा चारा खिलाना है बुधवार वाले दिन। अगर कर्जा आपके ऊपर है और आपकी नियमित आमदनी नहीं है तो आपको बुधवार वाले दिन ये करना चाहिए। और आपको दीपावली में धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक मंत्र जप करना है ओम बाल मुकुंदाय नमः, ओम बाल मुकुंदाय नमः। ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र और ये आपकी राशि के लिए सबसे उपयुक्त। दाहिने हाथ की कलाई में 6 बार कलावा लपेटिए इसी मंत्र का जप करते हुए ओम बाल मुकुंदाय नमः। और उस कलावे को आप 4 सप्ताह तक या 6 सप्ताह तक बांधिए, उसके बाद उसको प्रवाहित कर दीजिए। कन्या राशि वालों को मंत्र जप करना है ओम ह्रीम परमात्मने नमः, इस मंत्र का धनतेरस से लेकर के और भैया दूज तक, और चाहें तो इसको पूरे जीवन भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपका राशि मंत्र है, ये आपको सदैव फायदे देता है लक्ष्मी जी की कृपा। तो ओम ह्रीम परमात्मने नमः। और आपको करना क्या है कि अगर कर्जे हैं आपके ऊपर, आपके पास नियमित आय के साधन नहीं है तो मीठा चावल बनाइए और वो कौओं को खिलाइए धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ प्रेम से बोलिए जय माता की।